कटनी के रंगनाथ थाना क्षेत्र ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्कूल में छात्रों के वाद विवाद पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दीपेश तिवारी गायत्री नगर बाबा घाट निवासी छात्र के जांग में चाकू लग गई है, जिसे तत्काल लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। आयुध निर्माण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 12वीं बोर्ड का लास्ट पेपर था, जहां नालंदा हायर सेकेंडरी स्कूल का सेंटर आयुध निर्माण स्कूल मिला था। जानकारी के मुताबिक छात्रों से किसी वाद विवाद को लेकर विवाद हुआ और 4 से 5 लोगों ने अचानक चाकू से हमला कर दिया। इस घटना की रंगनाथ पुलिस जाँच कर रही है। घटना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री साइड हुई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्कूल था, वहाँ बोर्ड का एग्जाम हो रहा था, आखिरी पेपर था। हम लोग निकले हैं, हम लोग मैं और दोस्त था, तो बोलो अंदर घुस के दो, एक बहुत सारे 5-6 जन थे, वाले अंदर घुस के एक बहन ने चाकू मारा, फिर फरार हो गए। क्या नाम उसका? अंकित वर्मन। और कौन था? और छोटू ठाकुर था, आकाश कौन था? विश्वकर्मा। मैं 12th क्लास में हूँ। ये कुछ देर पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पेपर हो रहे थे, उसके बाद कुछ वाद विवाद हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भिजवाया गया था, वहाँ पर उस समय कोई भी नहीं मिला था, कोई मारने वाला पक्ष ना मार खाने वाला पक्ष कोई भी नहीं मिला था। उसके बाद ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि डायरेक्ट अस्पताल में वो मुतजरा चला गया है। सूचना प्राप्त हुई है, उसके बाद हमने अपने स्टाफ को भेजा है, जैसे भी जो भी सूचना प्राप्त हुई उस हिसाब से कार्रवाई निकाल रही थी। जैसा कि अभी बोर्ड एग्जाम चालू है सर, तो स्कूलों में ड्यूटी होना चाहिए, पुलिस वालों को लगाना चाहिए, ऐसा आदेश भी आता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे कोई नहीं लगे हुए थे, लेकिन परीक्षा खत्म हो जाने के बाद फिर वो इधर-उधर हो गए थे, तो बात दो छात्रों के बीच अब ये नहीं काम कर। ठीक, कटनी से प्रवीण कुमार पारशर की रिपोर्ट।